अंग्रेजों के खिलाफ सन 1780 से सन 1790 के दौरान ही सबसे पहले जंग छेड़ दी थी नवाब हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने। जी हाँ, वही टीपू सुल्तान जिनसे आज खास पार्टी और खास किस्म के धर्म वालों को नफरत है। क्यों है नफरत, समझिए, और ऐसी मानसिकता को भी आज समझिए। इतिहास में सोने के अक्षरों से लिखा गया है कि वाहिद हैदर अली और टीपू सुल्तान ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जमीन पर जंग छेड़ दी। और हाल यह हुआ कि टीपू सुल्तान ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ इतने रॉकेटों का इस्तेमाल किया नवाब अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने कि अंग्रेज पहली बार दहल गए थे। उन्होंने अपनी किताब में खुद लिखा कि नवाब हैदर अली और टीपू सुल्तान से जंग के दौरान पूरी दुनिया में फजीहत हम ब्रिटिश शासकों की हुई। दोस्तों, ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 4 जंग अंग्रेजों से लड़ी। वही टीपू सुल्तान है जो पहला ऐसा शासक था जो भारत के इतिहास में भी माना जाता है, किताबों में भी लिखा गया है कि वही ये टीपू सुल्तान है जिसने जंगे लड़ने से पहले ही समझ लिया था कि अंग्रेज को इस धरती पर एक्सेप्ट नहीं करना, भारत से अब इन्हें भगाना है, आगे के लिए ये बड़ा खतरा है अंग्रेज। पूरे भारत में टीपू सुल्तान और हैदर अली ये दो वाहिद ऐसे बाप बेटे थे जिन्होंने अंग्रेजों के सारे कर्मकांड को पहले ही समझ लिया था। और टीपू सुल्तान एक ऐसे लड़ाकू और योद्धा थे जिन्होंने अकेले अंग्रेजों से 4 युद्ध लड़े। 18 साल के जब वो थे तभी वो मैदान जंग में अंग्रेजों के खिलाफ उतर चुके थे। और आज उस शेर टीपू सुल्तान से कुछ लोगों को नफरत है, इसीलिए नफरत है क्योंकि उनके बाप दादाओं को भगाने का काम टीपू सुल्तान ने किया था।